Mood isn't political in the country as two key states are going to polls, and in the run-up to the polls, we will hold some special guests and discussions with them from the poll-bound states. First, starting with Gujarat, we are being joined by BJP MP, BJP Lok Sabha MP, in fact, Mitesh Patel. Thank you for joining us this morning, Mr. Patel. My first question to you, sir, you've been in power for 27 years. What makes you confident that you will be able to beat anti-incumbency in Gujarat this time? गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार ने जो विकास के काम गांव-गांव तक पहुंचाया है और गांव-गांव तक जो लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए वो भी पहुंचाना है कि सरकार के ऊपर सभी नागरिकों के अटूट विश्वास हुआ है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, गांव तक पानी की सुविधा उपलब्ध की है, गांव तक बिजली उपलब्ध की है, किसानों के लिए सभी जो किसानों को मिलना चाहिए वो सभी लाभ उन्होंने वहां तक सरकार ने पहुंचाया हुआ है। सभी गुजरात के नागरिक ये सरकार से खुश है और सरकार के अटूट विश्वास है उन पे कि सरकार ने 27 साल में बहुत अच्छा काम किया है। जी, एक नया एंट्रेंट है गुजरात में, आम आदमी पार्टी, मिस्टर पटेल, क्या आपको लगता है बीजेपी के लिए थ्रेट बन सकता है या ये बस एक वोट कटिंग करेगा कांग्रेस के लिए? आम आदमी पार्टी का गुजरात में कहीं स्थान नहीं है और उनको कोई सीट मिलने वाली नहीं है। गुजरात में अभी आपने अपने गृह मंत्री का भी 2-3 इंटरव्यू सुने होंगे श्रीमान अमित शाह जी का कि तीसरी पार्टी का यहाँ कहीं स्थान भी नहीं है। दो ही पार्टी, एक बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ गुजरात में थी। अभी कांग्रेस पार्टी भी इतनी नहीं है, लेकिन तीसरी पार्टी यहाँ जितनी भी आई है वो चली भी नहीं है। आम आदमी पार्टी यहाँ कोई स्थान नहीं है और आम आदमी पार्टी का जो पंजाब और दिल्ली का जो भी है उनको भी गुजरात के लोगों को मालूम पड़ गया है और गुजरात लोगों को अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अपने गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के पूरा अटूट विश्वास है और जो विकास पूरा भारत देश में वो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है और विश्व में प्रसिद्धि ली है, वो प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे भारत देश को भी प्रसिद्धि दिलाई है, इसके ऊपर पर सभी गुजरातियों के गुजराती प्रधानमंत्री पर पूरा अटूट विश्वास है और अमित शाह जी पर अटूट विश्वास है। जी पटेल जी, एक बहुत दुखद हादसा हुआ गुजरात में अभी मोरबी में, क्या आपको लगता है इससे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है आपके लिए चुनाव पे? देखो, प्रधानमंत्री जी जब ये मोरबी का इंसिडेंट हुआ गुजरात में ही थे, उन्होंने काफी सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और कैंसिल भी कर दिए। 1 तारीख को 182 विधानसभा में स्नेह मिलन समारंभ था, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 182 विधानसभा पर कैंसिल कर दिया और जो कार्यक्रम रहे वो सिंपल कर दिया और प्रधानमंत्री खुद मोरबी जाके सभी जो भी वहाँ के हॉस्पिटल में भी गए, जो उनको ट्रीटमेंट करा रहे थे उनसे भी मिले और जो उन्होंने भी दुखद बहुत दुख की घटना थी, दुख भी व्यक्त किया है और उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा। जी आपने बोला कि आपका कोई वहाँ गुजरात में असर नहीं पड़ेगा, यू बीन डिसमिसिंग आप राइट नाउ, बट दे डिड मैनेज टू मेक इनरोड्स इन कॉर्पोरेशन पोल्स स्पेशली इन सूरत। सूरत में काफ़ी इम्पैक्ट रहा था आम आदमी पार्टी का, देर आइंग अर्बन सीट्स, जो शहरी इलाके हैं वो उसे टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो योर बैस्टियन। ये क्या बीजेपी को ये चीज़ कुछ भी वरी करती है एट ऑल? नहीं, वो सूरत में तो वो पास के जो सदस्य थे वही लोग ये खड़े रहे थे और त्रिपंखिया जंग हो गया था तो इसके वजह से, लेकिन अभी वो वहाँ भी सूरत में भी अभी आम आदमी पार्टी का कुछ जोर नहीं है और आम आदमी पार्टी गुजरात में कहीं भी इतने जोर से कहीं भी आप देखेंगे दिखता भी नहीं है। और आनंद की मैं बात करूँ, आनंद जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मत क्षेत्र है, वहाँ एक भी सभा केजरीवाल की और गुजरात प्रदेश के जो अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का, उनकी कहीं सभा भी नहीं हुई है।
जी पटेल जी, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया था, वी हैव वेरी गुड कंपटीशन टू द बीजेपी, विनिंग 77 सीट्स। नाउ द प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन ऑफ कांग्रेस इज साइलेंट कैंपेन इन रूरल एरियाज। डू यू थिंक दे कैन कम क्लोज अगेन, स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज इन दोज बेल्ट्स? नहीं, इस बार वो नजदीक नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने यही बोला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो भी वो साइलेंटली काम कर रही है, आपके ध्यान में है कि नहीं? तो आप भी साइलेंटली जो काम करते हैं उसके ऊपर नजर रखिए और आप भी काम करिए। वही प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता जागृत होके वो जो काम करते हैं उसके ऊपर नजर रखिए, आप भी काम करने का शुरुआत कर दीजिए। Mitesh ji, if you're so confident, then why were there 3 CM changes and last time it was the chief minister and his entire cabinet? Now, opposition is saying, sir, that this shows a cause of concern for the BJP. Do you agree with this? How would you like to respond to the same? देखो, ये तो एक decision रहता है और ये अभी की जो सरकार है, अपने डबल इंजन सरकार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सर साहब की सरकार और जितने भी मिनिस्टर हैं, वो मिनिस्टर जिस तरह से काम कर रहे हैं, सभी मतदार और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी इससे खुश है। वो तो जो होता है उसमें तो डिसीजन सेंट्रल लेवल से होता है जी। जहाँ तक गुजरात का सवाल है मितेश जी, काफ़ी लोग उसे मोदी जी के साथ इक्वेट करते हैं। नाउ डू यू थिंक द प्राइम मिनिस्टर्स करिश्मा अलोन इज इनफ टू विन यू पोल्स? बिकॉज यू सीम टू बी डिपेंडिंग ऑन इट हैविली, आप लोग काफ़ी उस पर डिपेंड होते हुए नजर आ रहे हैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने 2014 से भारत देश की सुकान संभालने के बाद विश्व में जो नामना उन्होंने प्रसिद्ध की है, बहुत बड़ी प्रसिद्ध की है, और नामना के साथ भारत देश में भी जैसे गुजरात मॉडल लेके भारत देश का भी जो विकास किया है, बहुत 8 साल में भारत देश कहां से कहां पहुंचा दिया है। हर क्षेत्र में भारत देश आगे है। भारत देश इकोनॉमी में जो 11 नंबर था वो 5th नंबर पर पहुंच गया है। कोविड के टाइम में भी जो प्रधानमंत्री जी ने कोविड में के टाइम में जो काम किया है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज अभी भी जो दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी आप समझ रहे हैं कि अचीवमेंट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 80 करोड़ गरीब जनता का भी ध्यान रखा है कि भूखमरे से कोविड से ज्यादा लोग जो मीन्स पहले एक बार 100 साल के बाद एक ऐसा रोग आया था उसमें भूखमरे से सभी लोग काफी सारे लोग की मृत्यु हो गई है, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने कही है और 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज भी दिया है। Before we let you go, Mr. Patel, last question. How do you plan to regain the lost areas in Saurashtra especially? Last time you lost 14 seats in the area. इस बार क्या प्लान है, इस बार क्या रणनीति है जहां तक सौराष्ट्र की बात की जाए? वो सीट पे जो हारे थे उसका मीन्स समर्थ सोच समझ कर वहाँ कैसे कैसे कैंडिडेट्स को खड़े रखे और हार का चिंतित करके सभी अपने जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने उसके बारे में सोच के वहीं वो लोग 14 सीटों में से ज़्यादा सीट निकाल सके वैसा भी प्रबंध किया हुआ है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.